कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। आज हम बात करेंगे मेहंदीपुर बालाजी की। यह मंदिर भारत में एक बहुत लोकप्रिय धार्मिक स्थल है। राजस्थान के करौली जिले में स्थित इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान हनुमान हैं। भारत के कई हिस्सों में भगवान को बालाजी के रूप में भी पुकारा जाता है, जिसका मतलब है आदरणीय बालक। मंदिर की मुख्य विशेषता यहाँ की जाने वाली बुरी आत्माओं का अनुष्ठानिक उपचार है। इस भूत भगाने वाली बात के लिए यह मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 2013 में जर्मनी, नीदरलैंड, एम्स और ड्यू के वैज्ञानिकों, एक्सपर्ट्स और साइकेट्रिस्ट की एक टीम ने मंदिर की गतिविधियों का विस्तार से मूल्यांकन करने के लिए एक शोध का अध्ययन शुरू किया था। मेहंदीपुर अब कोई गांव नहीं है, यह अब एक छोटा सा शहर बन चुका है। यहाँ रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। मेहंदीपुर में प्रवेश करने पर एक भक्त को छोटी दुकानें मिलेंगी और लोग अपने रोज के कामों में व्यस्त दिखेंगे। एक बार मंदिर परिसर के पास आने वाले लोगों को भगवान के दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा करते भक्तों की एक लंबी कतार देखने को मिलती है। दुकानदार पूजा के लिए सामग्रियों को कतार में रखकर बेचते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोगों की लाइन रात से ही लगना चालू हो जाती है, इसलिए यहाँ पर रात में कोई सोता नहीं है। मंदिर को चार भागों में बांटा गया है। पहले दो भाग में भगवान हनुमान और भैरव के देवता पाए जाते हैं। बचे हुए भाग में भक्तों से ये कहा जाता है कि वे बाहर से खरीदी गई काली गेंदों को फेंक दे। मंदिर में साल भर बुरी आत्माओं का साया मंडराता रहता है। ये लोग चीखते हुए और अंदर खंभों पर अपना सिर पटकते हुए पाए जाते हैं। मंदिर के पुजारी लोगों को झाड़ियों की ओर खींचते हुए और मारते हुए पाए जाते हैं। ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। यह कहा जाता है कि हर दिन कई बुरी आत्माओं को यहाँ के लोगों के शरीर से निकाला जाता है। यदि आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ निर्देशों का पालन करना होता है। गांव में प्रवेश करने के तुरंत बाद कुछ भी खाना या पीना उचित नहीं है। मंदिर के अंदर किसी को छूने या उनसे बात करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय प्रसाद या खाने पीने की सलाह नहीं दी जाती है। गांव छोड़ने से पहले पानी की बोतलों और खाने के पैकेटों को पूरी तरह से खाली करना होता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना रहती है कि कई बुरी आत्माएं आपको देख रही होंगी, इसलिए किसी भी अजीब आवाज की ओर मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो ये थी मेहंदीपुर बालाजी की एक कहानी। और ऐसी कई अनकही बातें जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ कही अनकही बातें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।